दोस्तों, क्या आपकी पोस्ट गूगल में रैंक नहीं कर रही है? अगर रैंक नहीं करेगी तो ट्रैफिक कैसे आएगा? तो आज की इस वीडियो को देखिए। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि SEO फ्रेंडली आर्टिकल आप अपने ब्लॉगर में कैसे लिख सकते हैं ताकि आपकी पोस्ट गूगल में रैंक करे और साथ ही साथ आपको ट्रैफिक मिले, जिसकी वजह से आपको अच्छी खासी इनकम जनरेट हो। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे आप यहाँ पे SEO फ्रेंडली आर्टिकल लिखेंगे, पूरा डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें गाइड करूंगा कि आपको कीवर्ड कहाँ रखनी होती है, कीवर्ड कितने रखने चाहिए, सर्च डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना होता है और यहाँ पे कीवर्ड को, जिस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे होनी चाहिए। सो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि रिकमेंडेशन में आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो आती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेते हैं तो मेरे द्वारा जो भी वीडियो डाली जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे हूँ। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, ब्रोकन लिंक्स को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। सो इस वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। अब ब्रोकन लिंक्स देखिए, अगर आपकी साइट पर है तो कहीं ना कहीं गूगल आपको यहाँ पे आपकी ट्रैफिक को लॉस करता है, मतलब हटा देता है, आपकी बहुत सारी पोस्ट जो होती हैं वो रैंक करना बंद कर देता है। सो आपको ब्रोकन लिंक्स को ज़रूर फिक्स करना चाहिए। कैसे फिक्स कर सकते हैं, डिटेल वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ आई बटन पे है, इसको जाके आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। अब आते अपने पॉइंट पर। मैंने यहाँ पे ब्लॉगर में एक आर्टिकल लिख के रखा है ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी रहे और वीडियो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कीवर्ड टारगेट किया है दिशा पाटनी बायोग्राफी इन हिंदी। ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है, इसी पे मुझे रैंक करना है, ठीक है। इस पे मैंने आर्टिकल लिखा और यहाँ पे कुछ उससे रिलेटेड और भी कीवर्ड हैं जिस पे कुछ ट्रैफिक है, जैसे दिशा पाटनी एज हाइट एंड बेस्ट फोटोज, तो इस पे भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे इन सब चीज़ों को भी अपने यहाँ पे टाइटल में टारगेट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैंने देख सकते हैं किस तरह से अपना मेरा पहला कीवर्ड जो है, मेन कीवर्ड है, वो शुरुआत में है, लॉन्ग टेल कीवर्ड है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप अपने आर्टिकल को लिखते टाइम लॉन्ग टेल कीवर्ड को यूज कर रहे हैं तो वो जल्दी यहाँ पे रैंक करता है, अलग अलग कीवर्ड पर रैंक करता है, जिसकी वजह से आपको ट्रैफिक मिलने के चांस जो होते हैं गूगल से वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल हो गया मेरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे शुरुआत के 3 लाइन में मैंने क्विक यहाँ पे कुछ उनके बारे में लिखा और इसी के बीच में मैंने अपना कीवर्ड यहाँ पे प्लेस कर दिया। देख सकते हैं दिशा पाटनी बायोग्राफी इन हिंदी, और मैंने यहाँ पे इसको बोल्ड रखा है ताकि आपको दिखा पाऊँ मैंने कहाँ कहाँ पे कीवर्ड को रखा है। आप इस कीवर्ड को बोल्ड नहीं करेंगे, बोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको केवल बताने के लिए यहाँ पे बोल्ड रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस कीवर्ड को प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद अब उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे शुरुआत में, कंटेंट के शुरुआत में आपका जो मेन कीवर्ड है वो पहले दूसरे तीसरे लाइन में ज़रूर आना चाहिए, जिसकी वजह से गूगल आसानी से डिटेक्ट कर पाता है कि ये टॉपिक किस पर है। अब देखिए, मेरे टाइटल में भी दिशा पाटनी बायोग्राफी इन हिंदी, और उसके बाद शुरुआत के कॉन्टेंट में, शुरुआत के यहाँ पे पोस्ट में भी यहाँ पे दिशा पाटनी बायोग्राफी इन हिंदी मैंने रखा है, ठीक है। यहाँ पे दो जगह आप मेक श्योर जरूर ध्यान दें कीवर्ड प्लेसमेंट की तरफ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे हेडिंग्स में, चाहे वो H2 हो, H3 हो, H4 हो, ठीक है, हेडिंग्स में आपको अपना मेन कीवर्ड जरूर एक बार देना है। जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दिया है दिशा पाटनी बायोग्राफी इन हिंदी, क्विक दिशा पाटनी बायोग्राफी इन हिंदी, और अभी ये पोस्ट अभी मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि हाइट, मदर नेम, ये सारी चीज़ें अभी लिखनी बाकी हैं तो ये मैं अभी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कीवर्ड आपका हेडिंग्स में भी ज़रूर आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मेन हमारा जो हेडिंग्स था उसको मैंने लिया, यानी कि H1 जिसे बोलते हैं ब्लॉगर में, तो बेसिकली H1 अब आ गया है नए डैशबोर्ड में, तो यहाँ पे H1 लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे पूरा यहाँ पे जो भी इनकी बायोग्राफी है मैंने लिखी, उसके बाद कुछ हेडिंग्स को टारगेट किया,
जैसे दिशा पाटनी कैरियर, दिशा पाटनी बॉयफ्रेंड एंड हस्बैंड, इन सभी चीज़ों पर, इन सभी कीवर्ड पर ट्रैफिक था, तो मैंने ये सारी चीज़ें इनके बायोग्राफी में ऐड करी, जिसकी वजह से मेरी जो ये पोस्ट है अलग अलग कीवर्ड पे रैंक करे फ्यूचर में। सो उसके बाद फाइनल वर्ड मैंने दिया यहाँ पे दिशा पाटनी बायोग्राफी इन हिंदी पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फाइनल वर्ड देने के बाद, ये आर्टिकल ज़्यादा बड़ा नहीं है, 700 वर्ड का है, 700 वर्ड का है केवल। सो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया, और अब क्या करना है आपको मैंने बता दिया। शुरुआत में आपका कीवर्ड प्लेसमेंट होना चाहिए, टाइटल में होना चाहिए, साथ ही साथ हेडिंग्स में होनी चाहिए, और हेडिंग्स में होने के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे पोस्ट के लास्ट में भी मैंने यहाँ पे दिशा पाटनी बायोग्राफी इन हिंदी रखा है, यानी कि पोस्ट के लास्ट में भी आपका कीवर्ड होना चाहिए। और 100 वर्ड का अगर आपका आर्टिकल है तो उसमें आप कोशिश करें केवल एक बार ही आपका मेन कीवर्ड आए। अगर 1000 वर्ड का आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें आपको कोशिश करना है कि 10 बार ही आपका यहाँ पे मेन कीवर्ड आए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेबल्स ऐड करने हैं, जो भी आपके लेबल्स हों। जैसे कि मेरे में बायोग्राफी था तो मैंने बायोग्राफी ले लिया। उसके बाद परमा लिंक में भी आपका यहाँ पे कस्टम परमा लिंक मैं यहाँ पे रखा हूँ, और यहाँ पे कस्टम परमा लिंक में दिशा पाटनी बायोग्राफी इन हिंदी मेरा जो मेन कीवर्ड था उसी को मैंने यहाँ पे टारगेट करा है। उसके बाद आता है सर्च डिस्क्रिप्शन। सर्च डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करना है, शुरुआत के 2 से 3 लाइन को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करके डन कर देना है, ठीक है। इतना करने से आपकी ये जो सर्च डिस्क्रिप्शन में भी आपका कीवर्ड टारगेट हो जाएगा, जैसे कि गूगल को आसानी रहेगी इसको फेच करने में, ठीक है। इतना करने के बाद आपकी पोस्ट का ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा, और अपने जो यहाँ पे इमेज यूज किया है, इमेज यूज करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज में अपने हेडिंग्स, यहाँ पे टाइटल टेक्स्ट और अल्ट टेक्स्ट डालना है, साथ ही साथ कैप्शन को डालना है। कैप्शन डालने के बाद एक चीज़ और ध्यान दें, आप इस पोस्ट के अंदर कम से कम 2 इमेज का ज़रूर यूज करें, इससे आपकी पोस्ट और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाती है। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी यहाँ पे पोस्ट जो है रैंक करेगी गूगल में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।